बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक और बड़ी खबर के साथ न्यूज़ी बाबा हाजिर है। खबर की तफसील जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। इकरारुल हसन की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके सर में 7 से 8 टांके लगे हैं। इनका बायां कंधा भी बुरी तरह जख्मी हुआ है और इनके नाजुक अज़ा पर बिजली के झटके भी लगाए गए हैं। तो आइए सुनते हैं इकरारुल हसन की ज़बानी के ये सारा वाकया किस तरह पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता रोज़ कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकारों की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से, तारिक शाह की तरफ से टीम सरेआम पर मुझ पर जो तशद्दुद हुआ, कोई भी लफ्ज़ जो है उस तशद्दुद की अक्कासी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि जी बेहमाना तशद्दुद था, खूनरेज़ तशद्दुद था, ज़बरदस्त तशद्दुद था। जो कुछ हुआ जब आप सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसकी तफसीर और पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान और अहलकार हैं उनके पास एक इख्तियार है कि नादरा की जानिब से किसी भी पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की अगर कोई तनाज़े का मामला हो तो उसकी वेरीफ़िकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होती है। तो ऐसे ही एक इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम काशिफ था मुबैना तौर पर, बाद में अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई लेकिन वो काशिफ अपना नाम बताता था, उसने एक फैमिली को अप्रोच किया कि जी आपके पासपोर्ट्स की और आईडी कार्ड्स की इंक्वायरी हमारे पास आई है और आप इतने पैसे देंगे तो हम इंक्वायरी रिपोर्ट नादरा को भेजेंगे वरना नहीं। उस ख़ानदान ने टीम सरेआम से रब्ता किया और हमने अल्टीमेटली उस शख्स की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे पहले 20,000 रुपये दिए गए, फिर 24,000 रुपये दिए गए, फिर 12,000 रुपये दिए गए। तो ये ज़रा एक आध वीडियो उसकी देखिए, पैसे लेने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर काशिफ की रिश्वतखोरी। इधर से आपके रिपोर्ट जो है क्लियर होने के बाद 2.5 से 3 महीने इनको लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये मामला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर रिश्वत ले रहा था और हमारा ये ख्याल था कि इस रिश्वतखोरी को हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के आला अफसरान के नॉलेज में लाना चाहिए ताकि इदारा एक हमारे नज़दीक उसका वक्कार है, उसकी साख को मजरूह होने से बचाया जा सके। तो जो आखिरी किस्त थी रिश्वत की 12,000 रुपये, वो जब ये शख्स ले रहा था और वो ले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पैसे वसूल कर रहा था, तो हमने ऐन उस वक्त जब वो पैसे ले रहा था हमने उसको धर लिया जाके और हम उसको लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर चले गए। हमने कहा कि आपके अफसर कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं। हमें अब बाद में कहा गया कि जी देखें जी आप बग़ैर इजाज़त अंदर आ गए और ये सिक्योरिटी लैब्स था, और तो वाकई ये सिक्योरिटी लैब्स था कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अहलकार था ही नहीं कि जिससे हम इजाज़त लेते अंदर जाने के लिए। और जो पहला सिक्योरिटी अहलकार हमें मिला, हमने उससे कहा कि ये वीडियो सबूत हैं, ये शख्स करप्शन में मुलव्वस पाया गया है, आप अंदर जाके जो भी अफसर मौजूद हैं उनको बताएं कि हम आए हैं तारुफ करवा के और वो ये वीडियो सबूत आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इतने में, और मैं जो लफ्ज़ भी और जो जुमला भी और जो बात भी कह रहा हूँ इस यकीन के साथ कह रहा हूँ और आप भी समझ सकते होंगे कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूँगा तो वो उसी वक्त निगेट हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से। यानी मैं कहूँ जी मैंने हाथ नहीं उठाया और अगर मैंने हाथ उठाया हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं लाउड नहीं हुआ तो अंदाज़ा हो जाएगा सीसीटीवी कैमरों से, या मैं कहूँ जी मारा पहले हम, किसी भी चीज़ को जो मैं बात करूंगा वो साबित की जा सकेगी। और अगर मैं कोई झूठ बोलूं तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसको उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से झूठा साबित कर दिया जाए तो मैं ज़िंदगी भर कभी टेलीविज़न पे नहीं आऊंगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझे हक़ नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे आऊं और आप लोगों से बात करूं। जब हम ये बात कर रहे थे उन अहलकारों से कि आप अफसर को बताइए, तो एक साहब अंदर से जिनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था, वायरलेस था, वो आए। उनका नाम था रिजवान शाह, जो बाद में मुझे पता चला जो डायरेक्टर जीआईटी हैं कराची के, अजीब सिगरेट पी पी के काले होंठ और एक टिपिकल एक जो अफसर होता है उसकी लुक। आते उन्होंने कहा कि जी क्या मामला, हमने कहा जी ये मामला, उन्होंने कहा जी आप बाहर चले, हमने कहा जी आप कहीं भी किसी जगह बैठ के वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मैंने कहा सर कैमरों के सामने आप जो भी कहना है, मैं ज़ाती कोई मुलाकात के लिए तो हाज़िर हुआ नहीं हूँ, सर के अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि झूठ साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँ पूरी कौम का। तो जैसे ही मैंने कहा कि जी कैमरे तो सर आप प्लीज़ इनके सामने ही जो भी आपने कहना ताकि अंदाज़ा हो कि एक करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो, अपने जो अहलकार थे। और द मोमेंट उन्होंने अपना ये मिजाज पलटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये आईबी के लोग निकले
और उन्होंने हमें मारना शुरू किया लातों से, घूसों से, मुक्कों से। एंड मैं फिर कह रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज से ये बात निगेट की जा सकती है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि सब लोगों ने पिस्टल्स निकाले फिल्मी अंदाज में, पीछे से चैम्पर किया और मेरे जो है ना जो बट होते हैं पिस्टल के वो मारना शुरू किए, मुझे दीवार के साथ पटखा गया, दीवार से उठा गया, फिर वापस पिस्टल मारी गई। मारने के बाद उन्होंने कहा जी इनकी शर्टें उतारो, इनकी आँखें बांधो। हमारी ही शर्टें उतारी गई और हमारी आँखें, ज़ाहिर हम उस सिचुएशन के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर कोशिश की है कि पहले हाथ ना उठाएं, इवन रिटेलिएशन में भी हाथ ना उठाएं। और मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं इन लोगों को ज़रा इंगेज रखूं, सो दैट हमारे कैमरे किसी तरह से जो है वो भाग सके, कोई कैमरामैन कोई फुटेज लेके शायद किसी तरह से कुछ बच जाए और मैं मार भले खाता रहूं थोड़ी देर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने मुकम्मल तौर पर घेराव किया, हमारी कमीज़ें उतारी गईं, बांधी गईं और बांधने के बाद हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। वहाँ पिस्टल रख के हमारी टीम, जो टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर कहा गया मुझे कि आप कपड़े उतारें। मैंने कहा आप देखें ये ज़्यादती आप ना करें, लेकिन उनका गोली मार देंगे आपके नुमाइंदों को अगर आपकी काम नहीं करें। मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए, और दिल में ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात जानती थी, मुझे भी था कि मैं कोई अपने किसी ज़ाती काम के लिए तो इस तजलील से नहीं गुजर रहा हूँ। अगर इस तजहीक और तजलील से, जो उनके नज़दीक तजहीक और तजलील थी, मेरे नज़दीक तो ये एक एज़ाज़, एक फ़ख्र, एक अवार्ड, एक तमगा है कि मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत अगर आपको बराहना किया जा रहा है और आपकी वीडियो बनाई जा रही है, तो मेरे लिए तो ये काबिल कबूल है और मुझे इस पर कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं है। मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ और आप सबसे शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी वीडियो बनाई गई मुख्तलिफ जावियों से, यानी अपने नज़दीक मेरी तजलील कर रहे थे मेरी टीम के सामने। और उस सूरत में कि जब खून मुस्तकिल बह रहा था चेहरे से, और इतनी इंसानियत नहीं थी कि आपको जो फर्स्ट एड दे दी जाती, कोई मेडिकल एड दी जाती, हमारा एक मेंबर मेरे सामने मछली की तरह तड़पते तड़पते तकरीबन हमें लग रहा था कि मर जाएगा, और हम सब जानते थे कि उसको गुर्दे का मर्ज़ है, गुर्दे की पथरी का, और उसको वो सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे पेन किलर लगवा दें, और वो कह रहे थे कि ड्रामा कर रहा, उससे और मारा जा रहा था उस तकलीफ़ के ऊपर। फिर सबको करंट लगाए गए, सबको बराहना करके, और दो जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके मखसूस अज़ा पे वो जो करंट वाली मशीन है वो लगाई गई, जो अभी तक ब्लीड कर रहे हैं, इस वक्त भी खून निकल रहा है उनके मखसूस अज़ा से, नाजुक अज़ा से। इतनी बर्बरियत, इतनी वहशत, अगर हमने कुछ गलत किया था, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो हम पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, हमें अरेस्ट किया जा सकता था, हमारे कैमरों को जो है वो कन्फिस्केट किया जा सकता था। लेकिन ये जो ज़ाती इनाद था कि ये हमारी बादशाहत के ऊपर सवाल या हमारी करप्शन के ऊपर सवाल, और वो जो करप्शन करने वाला शख्स जिसको हम पकड़ के अंदर लेकर गए थे, वो सबका सरगना बना हुआ था, इसको मारो ये वीडियो बना रहा था मेरी, इसको मारो इसने मेरे साथ डील की थी, इसको मारो इसके पास मेरा कार्ड है, बाहर से जाके हमारे ड्राइवर्स तक को वो आदमी लेके आया, यानी उसके खिलाफ टके की कार्रवाई नहीं हो रही, और जिस जो जो लोग उसकी करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं उनको नंगा करके, बराहना करके, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे हैं, पिस्टल के बट मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर चैम्बर की जा रही हैं पिस्टलें, वो लहू लुहान हैं, खून से लबरेज हैं, और कोई मेडिकल एड उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये एक दिन में तो माइंड सेट नहीं बना होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से उनको गुस्सा आया और चले, अचानक गुस्सा 4-5 मिनट आया, थप्पड़ मारा, आपने गोली भी मार दी तो चंद सेकंड का इश्तियाल होता है। ये 3-4 घंटे जो था, ये एक उस फिरौनियत की अलामत था, जो फिरौनियत रिजवान शाह में और उसके जो जितने बाकी जो कारिंदे थे आई बी के, उनमें पिछले कई बरसों से, कई दहाइयों से वो पैदा हुई होगी। कितने मजलूमों को इस तरह ला के बांधा गया होगा, कितने मजलूमों को इस तरह से उनकी आँखें और आँखों पर पट्टियाँ बांध के नंगा किया गया होगा, कितने मजलूमों की वीडियो बनाई गई होगी, किसी ने कोई गुनाह किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन कितने लोगों की वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया होगा कि बाहर जाके अगर ये कहा या इतने पैसे ना दिए तो तुम्हारी वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। मैंने तो चले हिम्मत की आके आप सबसे ये चीज़ शेयर कर ली अगेन, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कोई पर्सनल शर्मिंदगी नहीं है इसके ऊपर। तो आप सोचें कि कितने बरसों से ये काम होता आया होगा, तब उसको इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल हुआ होगा तारिक शाह और उसकी टीम को, कि वो एक मीडिया का नुमाइंदा जिसको पता है छोटा मोटा बाहर जाके चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा, उससे भी कोई घबराए नहीं, उसको भी उन्होंने अपने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एंड अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे हमारे ARY नेटवर्क के CEO सदर सलमान इकबाल साहब को। वो जिस जिगरे के मालिक हैं, अगर वो जिगर ना होता तो ये सरेआम शायद आज हम ना कर पाते, जहाँ जहाँ जिस तरह से वो आहनी दीवार बन के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, शहबाज़ गिल साहब जो हैं वो उन्होंने रोल प्ले करना शुरू किया, DG इस्लामाबाद साहब से बात हुई, DG सिंध से बात हुई। अल्टीमेटली इतने सब मामलों के बाद हमें कुछ 3.5-4 घंटे बाद वहाँ से रिहाई मिली,
आम आदमी आप तसव्वुर कीजिए शायद 3.5-4 महीने भी वहाँ से बाहर ना निकल पाता। हम बाहर आए, बाहर आके हम दफ्तर की तरफ से, क्योंकि हमारे कैमरे रख लिए गए थे। एंड अगेन, अगर कोई हम मैं झूठी बात कह रहा हूँ तो हमारे कैमरों की फुटेज ही लोगों के सामने ले आए कि जनाब ये देखेंगे रिकॉर्ड हुआ है जिसमें ये बात गलत बात कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पर इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ। ऑफिस की जानिब थे लेकिन हमें बताया गया कि ऑफिस से कैमरा आ रहा है, आप अब्बासी शेर अस्पताल जाइए, मेडिकल लीगल रिपोर्ट करवाइए। सर फटा हुआ था, खून में लिथड़े हुए थे। हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल गए, टांके लगाए गए सर को करके, कुछ टांके मैंने रिक्वेस्ट करके बचा लिए कि बाल नहीं काटे पीछे से, क्योंकि वो बाकायदा उसको रेज़र करना पड़ता है, जो टांके लगाए जाते हैं। फिर जो एक्सरे वहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल में हुआ, उसमें ये जो लेफ़्ट शोल्डर है ये डिसलोकेट ही नहीं, ये टूटना कह के लीजिए, आई डोंट नो टेक्निकली क्या, ये डिसलोकेट हो गया, अपने मकाम से हिल गया ये। मुझे कहा गया कि आप सीटी स्कैन करवा लें किसी दूसरे अस्पताल से, क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटी नहीं थी, बिकॉज कहीं ब्लड क्लॉट ना बन गया हो, इतनी देर तक खून बहता रहा है और आप वहाँ मौजूद रहें, खून जम ना गया अंदर किसी वेन में, मौत का बायस बन सकता है। तो हमने सिटी स्कैन करवाया, तो सिटी स्कैन तो बेहतर था लेकिन एक पसली जो थी वो टूटी हुई सामने आई राइट साइड की, और साथ ही साथ जो जो जो, जो, जो दिल के मामला थे उन्होंने बताया कि वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज जो लाइट है, जो करंट है, वो जब पास होता है तो या दिल मुतासर होता है या दिमाग मुतासर होता है, जो ECG है वो भी एबनॉर्मल है। सो खैर, इस हालत में मैं ज़ाहिर है मीडिया पर भी और अपनी बात इसलिए कि लोगों को अंदाज़ा हो कि इदारों के अंदर कितनी बर्बरियत, कितनी सफाकियत, कितनी दरिंदगी, कितनी करप्शन है, और जिस मकसद के लिए मैंने ये मार खाई है, अगर वो मैं आराम से खामोश होकर बैठ जाऊँ घर में तो वो मकसद फुलफ़िल नहीं होगा।